स्वागत है आपका बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर होटल के बाहर मारपीट के बाद फायरिंग और मारपीट में दो लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, होटल के बाहर मारपीट के बाद फायरिंग हुई और फायरिंग में दो लोग घायल बताए गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अल अजीम चिकन सेंटर का पूरा मामला, और ये बड़ी खबर बुलंदशहर से, होटल के बाहर मारपीट के बाद फायरिंग और मारपीट में दो लोग घायल। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। अल अजीम चिकन सेंटर का पूरा मामला बताया जा रहा है, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह मारपीट के बाद फायरिंग होती है और फायरिंग में ही दो लोग घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अल अजीम चिकन सेंटर का यह मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में स्थित है ये चिकन सेंटर, और अब मौके पर पुलिस जांच पड़ताल करती हुई। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं मारपीट के पीछे की घटना का भी खुलासा नहीं हुआ है। अल अजीम चिकन सेंटर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मारपीट में फायरिंग होती है और फायरिंग में दो लोग घायल हो जाते हैं।